हेलो बच्चों, आज हम इतिहास में क्लास 8 के बच्चों को आधुनिक यूरोप के उदय के बारे में चर्चा करेंगे। मुख्य बिंदुओं को चर्चा बढ़ाते हुए हम सभी इतिहास के संपूर्ण जानकारी लेंगे। इतिहास मानव के संपूर्ण क्रियाकलापों का लगातार चलने वाली क्या है क्रम है, जैसे जानकारी, अध्ययन, सरलता और समझ के लिए इतिहासकारों ने विश्व इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया। क्या है? पहला प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। सबसे पहले आधुनिक काल की विशेषता 3 पॉइंट है, तर्क एवं बुद्धिवाद, मानववाद, नवीन अन्वेषण। इस कार्यक्रम का क्रियाकलाप को आगे बढ़ाते हुए यूरोप में जहाँ 15वीं और 16वीं शताब्दी में आधुनिक काल का उदय हुआ, वहाँ भारत में आधुनिक का भी 18वीं शताब्दी का उदय हुआ। जैसे आधुनिक काल के इतिहास के स्रोत, अगला टॉपिक है आधुनिक काल के इतिहास का स्रोत, जिसमें है लिखित इतिहास। लिखित इतिहास से आप समझते ही होंगे कि लिखित मतलब लिखना, मतलब है लिखा गया सब, जैसे कि जीवनी, रचनाएं, उपन्यास, दस्तावेज, पत्र व्यवहार, पत्र पत्रिकाएं, धार्मिक साहित्य आदि। अगले पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए मौखिक इतिहास। मौखिक इतिहास आम लोगों के अनुभव के अनुसार लोक कथाएं अनुसरण करना आदि। तीसरा पॉइंट है आधुनिक संचार साधन, जैसे रेडियो, टीवी, फिल्में, फोटोग्राफ्स, ऑडियो, वीडियो कैसेट, इंटरनेट, मोबाइल इत्यादि से हमें कई जानकारियां उपलब्ध हो जाती है, मिल जाती है आसानी से। चौथा है आधुनिक आदि स्थापत्य, जिसमें नगर नियोजन, संसद भवन आएगा, राष्ट्रपति भवन, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जैसे संग्रहालय आदि इसके अंतर्गत आत्मा है। क्या है? आधुनिक स्थापत्य से के अंदर है। अगला टॉपिक आगे बढ़ाते हुए वैचारिक क्रांति। 15वीं शताब्दी तक यूरोप में सामंतों और धर्मगुरुओं का अधिकार था। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु किसे माना जाता था? पोप को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। 15वीं शताब्दी में यूरोप में वैचारिक क्रांति का भी उदय हुआ। उसके बाद छपाई की मशीन का भी आविष्कार होने के कारण पुस्तकें अधिक संख्या में आसानी से कम कीमत पर उपलब्ध होने लगी, फलतः ज्ञान का प्रसार प्रचार तेजी से हुआ। वैज्ञानिक कोपरनिकस व गैलीलियो के अनुसार कहा जाता है कि जैसे खगोल वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड के बारे में प्रचलित सिद्धांतों का खंडन किया, जैसे कई वैज्ञानिक कहा करते थे कि सूर्य नहीं घूमता है बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब अगला टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए धर्म सुधार आंदोलन, जो जर्मन में स्थापित हुआ। धर्मगुरु मार्टिन लूथर किंग ने धार्मिक संस्थाओं के दुराचारों की निंदा की। उन्होंने धर्म व्यवस्था में प्रचलित दोषों का विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, इसीलिए इनके अनुयायियों को प्रोटेस्टेंट कहा गया। हेनरी अष्टम ने पोप के नियम को मानने से इनकार किया, क्योंकि वो पोप को ईश्वर के प्रतिनिधित्व माना जाता था। 16वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद व राष्ट्रीय राजतंत्रों एवं इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन आदि राज्य का अस्तित्व में भी आए। यूरोप का एशिया के साथ व्यापार चालू हुआ। कैसे हुआ, आज हम आगे बढ़ते हैं। भारत तथा यूरोप के मध्य जल थल दोनों मार्गों से व्यापार होना प्रारंभ हुआ। हमारा महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर स्टार्ट होता है। और कुतुब नुमा का मतलब होता है दिशाओं का ज्ञान करने वाला एक यंत्र, जो घड़ी के समान होती है। आविष्कार के बाद नाविकों ने लंबी लंबी समुद्री यात्राएं शुरू की। अगला पॉइंट, भारत की खोज में निकले इटली के नाविक कोलंबस ने किया। क्या किया?
यूरोप से अमेरिका पहुंचने वाले समुद्री मार्ग की खोज की। कौन किया? कोलंबस ने। अगला पॉइंट, पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने लंबी यात्रा कर अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए 20 मई सन 1498 की 98 को भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर कालीकट बंदरगाह केरल तक पहुंचा। इस समय व्यापारवाद को भी बढ़ावा मिला। इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अगला पॉइंट है यूरोप में व्यापार वृद्धि का परिणाम। उसमें है अगला पॉइंट आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत नए व्यापारिक केंद्रों का उदय हुआ, व्यापार तथा उद्योगों का महत्व बढ़ने लगा, नवे उद्योगों की स्थापना हुई। किसके अंतर्गत? आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत। उसके बाद क्या है? सामाजिक प्रभाव। इसके फलस्वरूप समाज में बैंकर दलाल लिपिक जैसे मध्यम वर्ग अस्तित्व में आए। यह वर्ग नवीन बातों को जानने के लिए उत्सुक था। अगला पॉइंट है राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक से आप लोग समझते हैं व्यापारी वर्ग ने अपने हित के लिए राज सत्ता का समर्थन किया। सामंतवाद का पतन आरंभ हो गया। व्यापारी वर्ग के प्रतिष्ठा बढ़ी। मशीनों का उपयोग सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ और यातायात भी आसान हुआ। ठीक है, अगला आगे बढ़ाते हुए उपनिवेशों की स्थापना। यूरोपीय लोगों ने सबसे पहले अमेरिका में अपने उपनिवेशों को स्थापना किया। दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया पर डचों ने, भारत पर सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपने उपनिवेशों को संगठन किया। यह उपनिवेशवाद यूरोपीय राष्ट्रों की व्यापार वृद्धि और व्यापारियों की बढ़ती धन लिप्सा का ही परिणाम था। अधिकाधिक उपनिवेशों को हथियाने के लिए यूरोपीय राष्ट्रों में संघर्ष होने लगे, जो अंततः प्रथम विश्व युद्ध में बदल गया। अब आगे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपको पीडीएफ दिया जाएगा और आप क्वेश्चन आंसर सबमिट करेंगे और नोट्स बनाएंगे। ओके बच्चों।